रियायती दरों पर गरीब मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराने के लिए मनपा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर पिछले 10 वर्षों से सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अंतर्गत 1000 से 1200 रुपए में किडनी मरीजों की डायलिसिस की जाती है। इसमें आधी राशि का वहन मनपा करती है जबकि आधी राशि मरीज को देनी पड़ती है। दर को बढ़ाकर 1200 से 1400 रुपए प्रति डायलिसिस करने का प्रस्ताव स्थायी समिति में पेश किया गया, पर आगामी 6 महीने तक पुराने दर पर ही डायलिसिस करने का निर्णय स्थायी समिति ने लिया है। स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने बताया कि डायलिसिस के लिए 6 अस्पतालों की तरफ से EOI मंगाया गया था। इसमें 6 अस्पतालों ने उत्सुकता दिखाई है। इसमें अश्विनी किडनी और डायलिसिस सेंटर, नेफ्रॉन किडनी अस्पताल, भवानी अस्पताल, श्रवण अस्पताल, लता मंगेशकर अस्पताल और मिडास अस्पताल का समावेश है। सिरो नेगेटिव के लिए 1200 रुपए और सिरो पॉजिटिव के लिए 1400 रुपए की नई दर तय की गई है, लेकिन कोरोना काल की वजह से मरीज वैसे ही परेशान है। इस वजह से आगामी 6 महीने तक पुरानी दर पर ही डायलिसिस करने के निर्देश दिए गए हैं। मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने बताया कि गत वर्ष डायलिसिस पर 35 लाख रुपए खर्च हुए थे। डायलिसिस के लिए बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सुरेश भट्ट सहित मनपा के अन्य सभागृह में कोविड काल के दौरान की गई जो बुकिंग रद्द हुई उसके पैसे लौटाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान की गई। बरेच विषय आज झाले स्टँडिंग कमिटीच्या माध्यमातून। जाहिरात विभागासंबंधी विषय झाला तो कोर्टाच्या आणि अनेक गोष्टी त्यामध्ये होत्या, त्यामुळे आम्ही स्टँडिंग कमिटीच्या माध्यमातून असा निर्णय घेतला की प्रशासनाने हा निर्णय घ्यावा आणि कॉर्पोरेशनचं हित लक्षात ठेवून कॉर्पोरेशनला कुठेही लॉस न होऊ देता हा आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्याने या संबंधीचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश स्थायी समितीने या जाहिरातीच्या माध्यमातून दिले। त्याचप्रमाणे म्हणजे त्यामध्ये 3,77,00,000 हे 1,30,00,000 त्यांच्यावर व्याज माफी आणि बऱ्याच गोष्टी होत्या, कोर्टाच्या बाजू असल्यामुळे हा निर्णय स्थायी समितीने घेतला नाही। दुसरा विषय असा होता बाजार विभागातला बुधवार बाजार महाल, तिथे 2% आपण वास्तुविशारद ॲग्रकाची जी फी असते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून 2% देण्यात येते, त्यांनी आम्हाला 3% मागितली। शासनाने आम्ही प्रस्ताव पाठवू, त्यांनी जर ओके केला तर आम्ही ते ओके करतील, पण आम्ही 2%च्यावर त्यांना देणार नाही। मनपा की विज्ञापन पॉलिसी वर्ष 2000 में तैयार हुई थी, 21 वर्ष हो चुके हैं। इस वजह से होर्डिंग्स का सर्वेक्षण कर उसके सॉफ्टवेयर डेटा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। शहर में 911 निजी होर्डिंग्स, 151 मनपा के होर्डिंग्स हैं। इसकी 7,50,00,000 की डिमांड जारी हुई, इसमें से 6,50,00,000 की वसूली हुई। उपायुक्त मिलिंद मेश्राम ने बताया कि सर्वेक्षण के बाद जो डेटा तैयार होगा उससे अवैध होर्डिंग्स का पता लग सकेगा, मनपा की कमाई भी बढ़ेगी। 6 महीने में सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कंपनी की नियुक्ति की जा रही है। पेशंट कडून घेतो आणि 500 रुपये कॉर्पोरेशन देते, तर हे पैसे वाढवून 6,600 केले होते। 600 कॉर्पोरेशन देईल आणि 600 पेशंट कडून, आणि सिरो पॉझिटिव्ह या करता 7,700, तसे 1400, 700 पेशंट देईल, 700 कॉर्पोरेशन देईल। पण हा निर्णय आम्ही मान्य केला नाही, कारण या डायलिसिस सेंटरमध्ये जे लोक येतात ते सामान्य परिस्थिती आणि गरीब परिस्थितीतले लोक येतात, त्यामुळे जो मागचे रेट होते 500-500 रुपयाचे आणि 600-600 रुपयाचे तेच रेट ठेवले, त्यामुळे हा रेट बदलवणार नाही आणि 6 महिन्यापर्यंत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला काम करावे, आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर नंतर नवीन येईल हे काम करण्याकरता, डायलिसिस करण्याकरता, तर त्या लोकांनी 600-500-500 करावं असे निर्देश आज स्थानिक कमिटीच्या माध्यमातून देण्यात आले। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।